हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योतिष डिस्कशन करेंगे। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे जो हमारा लाइफ का ट्रबल पीरियड है, इवन डेथ, कैसे देख सकते हैं चार्ट से। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग स्टार्टिंग दिस वीडियो ऑन दिस बसंत पंचमी, लेट्स प्रेयर टू माँ सरस्वती। चलिए माँ सरस्वती जी का पूजा करते हैं, एंड उनका ब्लेसिंग ब्लेसिंग अगर हम पे हो जाता है, देन वी कैन इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली इट इज ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, सो वी मस्ट रिक्वायर टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ माँ सरस्वती बिफोर एक्चुअली डाइव डीप इन टू दिस सब्जेक्ट। सो लेट अस प्रे टू माँ सरस्वती। सिंपल सा मंत्र करेंगे, ओम एम नमः। चलिए 5 बार करते हैं, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः, ओम एम नमः। देखिए, एक इंसान का अगर लाइफ पीरियड की बात करेंगे तो छोटा मोटा बहुत सारा चीज उसका लाइफ में होते जाता है। एंड लुक, ये जो शूल दशा, इसके ऊपर मैं काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। एंड आज का जो दिन है, माँ सरस्वती का दिन, मैं सोचा आज का दिन मे बी द राइट डे टू एक्चुअली स्टार्ट दिस टॉपिक, टू एक्चुअली अगर आप एक ह्यूज ह्यूज चीज को देखना चाहते हो तो आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से मैं सोचा चलिए आज के दिन ये वाला टॉपिक के ऊपर डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए, ये वाला वीडियो में मैं आपको जो अरुदा लग्न का थर्ड हाउस का कॉन्सेप्ट बताया हूँ, जिससे हम डेथ लाइक सफरिंग देख सकते हैं, डेथ प्लेस देख सकते हैं, उसको भी यूज करूंगा। एक चार्ट लेंगे, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट लेंगे, और 1982 में उनका साथ जो एक्सीडेंट हुआ था ऑन सेट, वो कैसे उससे बचे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पेसिफिकली अमिताभ बच्चन का जो एब्डोमन में उनका इंजुरी हुआ था, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नरचक्र का कॉन्सेप्ट देखेंगे, मून मून से कैसे बॉडी पार्ट्स देखते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ये सब चीज को आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज का वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है शूल दशा, एंड इसको यूज करके टाइमिंग ऑफ ट्रबल्स, आप कैसे उसको यूज करके ट्रबल वाला टाइम निकाल सकते हो, वो वाला चीज आज का वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए पहले डायरेक्ट एग्जाम्पल चार्ट लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करते रहेंगे। लुक, ये चार्ट अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। आप देखोगे एक्वेरियस एसेंडेंट है, जिसमें केतु प्लेस्ड है, ठीक है, एंड उनका 7th हाउस में राहु है, 4th हाउस में सैटर्न है, जुपिटर एग्जॉल्टेड होके 6th हाउस में है, 8th हाउस में मर्क्यूरी, सन, वीनस एंड मार्स, ये चारों प्लैनेट हैं। मून 7th हाउस में, तो ये आप देखोगे ये हमारा अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है। तो जैसे मैं पहले से ही बता चुका हूँ, अरुदा लग्न का जो थर्ड हाउस है, अगर वहां पर अगर कुछ मेलिफिक्स होता है, देन द प्रोसेस ऑफ डेथ इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो यहाँ पर पहले अरुदा लग्न को देखते हैं। तो अरुदा लग्न, देखिए अरुदा लग्न यहाँ पे स्टार्ट हो गया, अमिताभ बच्चन जी का चार्ट में अरुदा लग्न है टॉरस का, जिसमें सैटर्न प्लेस है। थर्ड हाउस फ्रॉम अरुदा लग्न इज हैविंग जुपिटर, सो एक्चुअली इफ अमिताभ बच्चन फॉलोज दिस जुपिटर, देन ही जो उनका जो डेथ का प्रोसेस है बहुत ही स्मूथ होने वाला है। थर्ड हाउस जुपिटर इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर फ्रॉम अरुदा लग्न। ओके, ठीक है, बट उनका जो 9th
1982 में एक एक्सीडेंट हुआ था। इट इज ए काइंड ऑफ ए फाटल एक्सीडेंट, जो मरते मरते वो बचे, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे, ये अरुणा लग्न का जो थर्ड हाउस है, ये कैंसर का साइन है। जहां पर आप देखोगे, इट इज ए चरण साइन। एंड ये जो कॉन्सेप्ट के लिए आपको राशि दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए, राशि दृष्टि आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। बिकॉज जो हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, वहां पर आप देखोगे इट इज नॉट ऑन योर चॉइस, इट इज बाय सरकमस्टेंसेस। इट इज गोइंग टू हैपन। इफ यू लाइक इट, इफ यू डू नॉट लाइक इट, इट्स ओके, बट इट इज गोइंग टू हैपन। सो दैट इज व्हाई राशि दृष्टि आर मोर इम्पोर्टेंट, विच आर परमानेंट इन नेचर। आपको इच्छा है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, वो चीज आपके साथ होने वाला है। एवरी वन इन दिस प्लानेट आर गोइंग टू डाई। इवन द प्लानेट इटसेल्फ इज हैव ए इज गोइंग टू हैव ए डिस्ट्रक्शन, प्रलय। ओके, सो सिमिलरली आप देखोगे, ये जो थर्ड हाउस जो कैंसर का साइन है, इसको सब फिक्स साइन एक्सपेक्ट करेंगे एक्सेप्ट द नेक्स्ट फिक्स साइन। उसका साइड में जो नेक्स्ट फिक्स साइन है वो है लियो, उसको छोड़ के बाकी जो तीनों फिक्स साइन उसको एक्सपेक्ट करेंगे। तो टॉरस वाला साइन एक्सपेक्ट करेगा, नेक्स्ट फिक्स साइन है फिक्स एक्वेरियस एक्सपेक्ट करेगा, एंड स्कॉर्पियो एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये तीनों साइन एक्सपेक्ट करेगा। आप देखिए, यहाँ पर सैटर्न एंड केतु दो मेलेफिक बैठे हुए हैं, जिसको जो ये हाउस को देख रहे हैं, तो दे विल ट्राई टू किल दिस पर्सन, किल अमिताभ बच्चन। ओके, सो बट रिमेंबर, ए सिंगल बेनिफिट इज सफिशियंट टू प्रोटेक्ट हिम। यहाँ पे जो उनका एक बेनिफिट है, ही सफिशियंट टू प्रोटेक्ट हिम। ओके, तो आज का जैसे टॉपिक में बोला था शूल चक्र, तो आज का टॉपिक में हम शूल चक्र के ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड ये जो शूल चक्र, हमेशा आप शुरू करोगे सन से, सन का जो नक्षत्र है, तो सन इज इन चित्रा नक्षत्र 14, याद रखिए 14। एंड ये जो चक्र हम करेंगे, इट इज ए 28 नक्षत्र स्कीम का चक्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे देखिए, चित्रा नक्षत्र से ये शूल चक्र स्टार्ट हो, चित्रा नक्षत्र से ये शूल चक्र स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए, ये जो शूल चक्र है, ये त्रिशूल है, इसका त्रिशूल का ये शॉर्ट फॉर्म के वन के शूल बना है। तो अगर आप त्रिशूल में किसी को मारने की कोशिश करोगे, तो ये ट्राइडेंट को ऐसे घुसा के मार सकते हैं, नहीं तो उसको उल्टा करके किसी को मार सकते हैं। बीच का जो हिस्सा पकड़ने के लिए यूज होता है। तो आप देखोगे, ये जो त्रिशूल का नीचे वाला ये जो बेस पॉइंट है, ये हमेशा सन नक्षत्र से स्टार्ट, एंड इट इज वेरी, ये जो सन नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र, इट इज वेरी मेलिफिक बिकॉज इट कैन किल, इट हैज पोटेंशियल टू किल। ओके, देन उसका जो नेक्स्ट नक्षत्र है हस्ता, सॉरी स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ठीक है। उसका नेक्स्ट थ्री नक्षत्र को आपको देखना है, उसके बाद ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, सप्तविशा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विन, भारिणी, कृतिका, रोहिणी, देन मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता। ओके, सो द नक्षत्र सिक्वेंस इज लाइक, ऐसे करके ऐसे आके फिर ये ऊपर जाके नीचे आके, फिर ऊपर जाके नीचे आके, ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो ये नक्षत्र का सीक्वेंस है, इसमें हम लोगों को ज्यादा जानने की कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज, आप देखिए यहाँ पे जो टिप पॉइंट पे जो तीन नक्षत्र है, अभिजीत, रेवती, आद्रा एंड चित्रा, दीज आर दी पिन पॉइंटेड नक्षत्र। ओके, जो अगर उस नक्षत्र में कोई अगर कोई चीज होता है, तो वो दे मतलब मृत्यु दे सकता है, डेथ दे सकता है, ठीक है। बट उनको छोड़ के, ये जो आप देखोगे, ये नक्षत्र का साइड में और दो नक्षत्र है, यहाँ पे और दो नक्षत्र है, यहाँ पे और दो नक्षत्र है, और इसके साइड में यहाँ पर और दो दो तीन तीन नक्षत्र है।
ये जो नक्षत्र का यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 3, 12, ये 12 नक्षत्र दे कैन गिव यू सफरिंग, लॉन्ग टर्म सफरिंग, रिमेम्बर लॉन्ग टर्म सफरिंग। ठीक है, तो आप देखोगे अगर अमिताभ बच्चन जी का ये नक्षत्र को छोड़ देते हैं, चित्रा, अभिजीत, रेवती एंड आद्रा इसको छोड़ देंगे, तो बाकी जो नक्षत्र रह गया, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, श्रवण, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद अश्विनी, मृगशिरा पुनर्वसु, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी हर्षता, ये जो नक्षत्र है, अगर इस नक्षत्र में कुछ इवेंट होता है देन इट कैन गिव डेथ लाइक सफरिंग फर्स्ट और लॉन्ग टर्म डिजीज, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। ओके, तो अगर आप अमिताभ बच्चन जी का जो एक्सीडेंट का डेट देखेंगे, इट इज ऑन 26/7/1982, 26 जुलाई 1982, एंड उस दिन मून ट्रांजिट हो रहा था हस्ता नक्षत्र में। आप देखोगे मून ट्रांजिट हो रहा था हस्ता नक्षत्र में, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप देखोगे हस्ता नक्षत्र इज जस्ट एडजेसेंट टू दिस चित्रा नक्षत्र, सो मैं जैसे आपको बोला इट इज वेरी अर्जेंट टू दैट चित्रा नक्षत्र। सो इसमें आप देखोगे अमिताभ बच्चन जी को ही कैन गेट ए पेन विच इज ए लॉन्ग टर्म सफरिंग, विच इज ए लॉन्ग टर्म डिजीज, विच इज ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। तो वहां पर उस दिन अमिताभ बच्चन का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें जो उनका प्रॉब्लम आया है ये लोअर एब्डोमेन में, उसमें उनका जो लीवर लीवर 75% डैमेज है जो आज तक उनके साथ है, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर। तो इट इज यहाँ से एक चीज पता चल गया है, इट इज राइट टू यूज दिस शूल चक्र। ओके, शूल चक्र इट इज राइट एंड वी कैन पिन पॉइंट दैट एनी प्रॉब्लम स्टार्स द वेरियस पॉइंट्स और नक्षत्र ऑफ शूल चक्र कैन गिव यू डेथ और डेथ लाइक सफरिंग और लॉन्ग टर्म डिजीजेस। इट इज ये फिक्स हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट चीज देखते हैं। हमेशा हमको दो तीन पॉइंट से सेम चीज को देखना है, जैसे कि मैं ये देखा हूं कि मैं यहाँ से एक नक्षत्र निकाला जिसमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है इट विल गिव लॉन्ग टर्म सफरिंग। अभी चलिए देखते हैं उनका लोअर एब्डोमन में क्यों हुआ, और तो चेस्ट में हो सकता था, हेड में हो सकता था, लेग में हो सकता है, बट लोअर और एब्डोमन, तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे, नरचक्र। चलिए नरचक्र यूज करते हैं। तो ये अमिताभ बच्चन जी का नरचक्र है, ये अमिताभ बच्चन जी का नरचक्र है, एंड नरचक्र इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मून नक्षत्र। ओके, अमिताभ बच्चन जी का जो नरचक्र है इट ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम मून नक्षत्र। ओके, तो यहाँ पर जो चीज है उनका मून नक्षत्र कौन सा है, पहले देख लेते हैं मून नक्षत्र कौन सा है। तो मून इज इन स्वाति नक्षत्र, 15th नक्षत्र से स्टार्ट होगा, एंड नरचक्र का जो स्कीम है ये 27 नक्षत्र का, आप देखोगे ये 27 नक्षत्र का स्कीम है, एंड यहाँ स्टार्ट होता है 15 नंबर नक्षत्र, 15, 16, 17, 18, 19, 20, उस तरह करते करते आप देखोगे ये 14 में जाके खत्म होता है, एंड फ्रॉम ईच नक्षत्र यू विल फाइंड ए बॉडी पार्ट, लाइक द मून नक्षत्र इज ऑलवेज द हेड। हमेशा आप नरचक्र को जब देख रहे हो तो लॉर्ड शिवा को याद रखिए, लॉर्ड शिव हैज मून ऑन हिज हेड, सो एवरीवन, और नरचक्र इज स्टार्टिंग विथ मून द फर्स्ट नक्षत्र ऑन द हेड, सो ऑलवेज द नरचक्र इज स्टार्ट विथ मून इज इन हेड। ओके, सो ये 15 बार का नक्षत्र हो गया मून, फर्स्ट नक्षत्र इज हेड, सेकेंड इज फोर हेड, थर्ड इज आईब्रो, सिमिलरली यू गो ऑन गो ऑन, दिस इज द 13th नक्षत्र विच इज द चेस्ट, रिमेम्बर दिस इज द अनाहत चक्र एंड दिस इज द बैरियर पॉइंट अबोव व्हिच द बॉडी टॉप पार्ट एंड बिलो व्हिच द बॉडी बॉटम पार्ट। ओके, यहाँ से ये अनाहत चक्र है, चेस्ट के ऊपर से ये 13 नक्षत्र हो गया। ओके, नीचे और 14 नक्षत्र, मतलब ये चेस्ट एंड ब्रेस्ट वाला रीजन ये हो गया मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसके ऊपर आप देखोगे जो नक्षत्र हैं बॉडी का अपर पार्ट और नीचे लोअर पार्ट। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग टेक्निक है कि आप इस नक्षत्र में जो
जो प्लैनेट है यहाँ पे नोट कीजिए, स्पेसिफिकली द मेलिफिक्स इंक्लूडिंग सन। तो आप देखोगे सन इज इन दी 14th नक्षत्र फिट सोल में सन है। 13th नक्षत्र जो 26th नक्षत्र है वहां पर मार्स है, और 10th नक्षत्र जो 23rd नक्षत्र है वहां पर राहु। ओके, एंड जो 17 नक्षत्र जो रोहिणी नक्षत्र है वहां पर सेटन। ओके, एंड 10th नक्षत्र जो 24 नक्षत्र है वहां पर केतु है। दीज आर दी मेलिफिक। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए दीज आर ग्रह पीड़ित नक्षत्र, इन दिस नक्षत्र एज मेलिफिक आर प्रेजेंट, सो द डीटी ऑफ दिस ग्रह, द डीटी ऑफ द नक्षत्र आर गेटिंग अफेक्टेड बाय दिस ग्रह। लाइक द सन प्लेस नक्षत्र, द गॉड इज एंग्री विथ यू, द नक्षत्र लॉर्ड इज रियली एंग्री विथ यू बिकॉज ए कॉन्स्टेंट लाइट इज इन इज ऑन इज फेस, सो ही इज गेटिंग इरिटेटेड, दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड एज दग्ध नक्षत्र। दिस नक्षत्र इज कंप्लीटली बर्न एंड ही इज फीलिंग द बर्न ऑफ द सन। द नेक्स्ट मार्स इज नक्षत्र इज दिस द मार्स एंड राहु, दीज आर द पीड़ित नक्षत्र। ओके, एंड सेटर्न वाला जो नक्षत्र हो गया ये हो गया दुखित नक्षत्र, इट इज अनसोरो, एंड ऑल दिस नक्षत्र कैन गिव यू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, हम जो प्राण वायु लेते हैं, जो सांस के द्वारा हम प्राण वायु लेते हैं, ये डिफरेंटली बॉडी पार्ट को सप्लाई होता है। सो मेलिफिक अगर प्लेसमेंट आ जाता है उधर, मेलिफिकली प्लेसमेंट होने से उसमें क्या होता है, वो प्राण वायु को वो बॉडी पार्ट में जाने से वो दिक्कत मतलब रोकते हैं, दिक्कत पैदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मेलिफिक कहीं बॉडी पार्ट में आ जाता है तो आप देखोगे वो बॉडी पार्ट को यू विल नॉट गेट सफिशियंट अमाउंट ऑफ प्राण। ओके, तो दैट इज द मेन रीजन। ओके, एंड आप देखोगे अमिताभ बच्चन जी का जो लिवर, लीवर आप देखोगे तो लोअर पार्ट में एब्डोमन में है। ठीक है, अमिताभ बच्चन का एब्डोमन में एक्सीडेंट हुआ था एंड वहां पर सेटर्न प्लेस है दुखित नक्षत्र। ठीक है, एंड सेम चीज ये नर चक्र, आप वो राशि नर चक्र भी एक है जिससे भी आप देख सकते हो। ओके, सो राशि नर चक्र सेम स्टार्ट विथ मून इज ऑन इज हेड, आई मीन टू से दिस इज द फर्स्ट हाउस, दिस इज द सेकेंड हाउस, दिस इज द थर्ड हाउस, दिस इज द फोर्थ हाउस, दिस इज द फिफ्थ हाउस, दिस इज सिक्स सेवन एट नाइन्थ 10 11 12, दिस इज राशि नर चक्र। आप देखोगे द साइन ऑक्यूपाइड बाय मून इज द हेड, सेकेंड वन इज मुख, थर्ड वन इज कंठ, फोर्थ वन इज बाहु, फिफ्थ वन इज उदर, एंड यू विल फाइंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ यू विल हैव केतु, एंड दिस केतु एंड सैटर्न दिस बोथ आर एक्सपेक्टिंग दिस जुपिटर राशि दृष्टि, सो दे कैन क्रिएट ए सिचुएशन इन व्हिच द अमिताभ बच्चन में सफर ए डेथ लाइक सफरिंग। ओके, जुपिटर इज द ओनली वन हु विल एक्चुअली स्टॉप दिस बिकॉज ही इज वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बेनिफिट। सो From here we are getting Saturn, from here we are getting Ketu. These are the main cause of problem for Amitabh Bachchan. So let us analyze, let us time this using using our Dasa system. So let us check the chart of Amitabh Bachchan. This is the chart of Amitabh Bachchan, and you will find the accident is in the 82 July 82, and the dasa was Saturn dasa, and the dasa was Saturn dasa, and July 82 is Moon antar dasa. Saturn dasa, Moon antar dasa. Saturn dasa, Saturn is expecting, and Moon antar dasa. Moon is the dispositor of this Jupiter, and sixth law. That may be the reason. So I am just using the Vimushakti Dasa. But as I mentioned, we need to check that in Shula Dasa. Okay.
फॉर सूल अदर था, यू जस्ट सिंपल दिस सॉफ्टवेयर जो हो रहा है, इट इज ब्यूटीफुल वर्किंग, यू कैन डू योर माइनर एडजस्टमेंट, आई नाम सा ऑल दोज थिंग, एंड इन सूल अदर सा यू विल फाइंड राइट जस्ट राशि दशा, यू कैन चूज दिस सूल दशा, वेरियस दशा सिस्टम्स आर देयर इन राशि, राशि यू कैन फाइंड सूल दशा दैट इज फॉर ट्रबल एंड टेक, इन सूल दशा यू विल फाइंड 1978 टू 87 जेमिनी महादशा इज रन, ओके, एंड द एक्सीडेंट वाज हैपनिंग इन स्कॉर्पियो अंतर्दशा, जेमिनी स्कॉर्पियो दिस इज राशि दशा, सूल दशा इज बेसिकली ए राशि दशा. फॉर दिस यू नीड टू नो द रुद्र हु एक्चुअली विल टेक द लाइफ, ओके, सो रुद्र इज द प्लैनेट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट बिटवीन सेकेंड एंड सेवेंथ हाउस, रुद्र इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट बिटवीन सेकेंड लॉर्ड एंड सेवेंथ लॉर्ड, यू विल सी यू विल फाइंड दैट सेकेंड लॉर्ड इज एग्जॉल्टेड, सो इट कैन क्वालिफाई फॉर द रुद्र, एंड which दशा विल एक्चुअली ट्रिगर दैट, एक्चुअली दैट विल ट्रिगर फ्रॉम द ट्राइन हाउसेज, आई मीन टू से द फोर्थ एथ एंड इलेवेंथ, द फोर्थ एथ एंड ट्वेल्थ, ओके, और सेवेंथ, दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ राशि दशा ऑन विच द डेथ माइट ऑकर, बट इट इज ए डेथ काइंड ऑफ सपन, सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज इन द शूल चक्र, इन द चक्र इफ यू आर गोइंग टू द चेक द चक्र, जस्ट ए सेकेंड, ओके, इन द चक्र यू विल फाइंड देर आर वेरियस सेक्शंस, ओके, इन वेरियस सेक्शंस आर लॉर्डेड बाई डिफरेंट डीटी, लाइक द बेस ऑफ द चक्र इज लॉर्डेड बाई सन हिमसेल्फ, एंड द नेक्स्ट थ्री नक्षत्र आफ्टर द सन लाइक चित्रा स्वाति, दिस इज स्वाति विशाखा अनुराधा, दिस इज रूल्ड बाय राहु, द बिफोर थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय केतु, ओके, एंड द मिडिल थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय सैटर्न, ओके, द टॉप लेफ्ट थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय मार्स, दिस थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय मून, दिस थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय जुपिटर, दिस वेस थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय वीनस, दिस वेस थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, एंड दिस थ्री नक्षत्र आर रूल्ड बाय इधर मून और सन, डिपेंड्स, ओके, सो एज द एज ऑन 26 जुलाई 1982 द नक्षत्र वाज हस्ता, यू विल फाइंड दिस नक्षत्र इज गेटिंग एक्टिवेटेड एंड इट इज इन द केतु ग्रुप, सो फ्रॉम लेट अस एनालाइज द चार्ट, लेट अस एनालाइज दिस चार्ट एंड यू विल फाइंड दिस केतु, दिस इज द थर्ड हाउस फ्रॉम अवरुद्ध लग्न एंड दिस अवरुद्ध लग्न इज बीइंग एक्सपेक्टेड बाय सैटर्न एंड केतु, सो दिस केतु एक्चुअली केतु इज एक्चुअली ट्राइंग टू एक्टिवेट दिस हाउस एंड केतु इज द रूलर ऑफ दिस एथ हाउस, सो दैट माइट बी द रीजन इन जेमिनी महादशा एंड स्कॉर्पियो अंतर्दशा देर इज ए थ्रेट टू अमिताभ बच्चन, इफ यू गो इन टू द प्रत्यंतर दशा जुलाई, जुलाई इट इज टॉरस, टॉरस प्रत्यंतर 26 जुलाई, लेट अस एनालाइज 26 जुलाई, 26 जुलाई इट इज कैप्रिकॉन सप्तदशा, so again as I mentioned it can be the houses of Rudra and Trine and seven, so Capricorn is coming the seventh house, so we can use this if someone killed or died or in that cases I'm just showing a
मेथड इन व्हिच वी कैन एक्चुअली नो हाउ वी कैन टाइम हाउ वी कैन नो दैट द इवेंट व्हिच इज हैपनिंग एक्चुअली इट कैन बी ए फैटल और नॉट फैटल, स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग टू एक्सीडेंट, इफ यू आर गोइंग फॉर सर्जरी. फॉर एन एग्जाम्पल एज वी आर ज्योतिष, एनी वन कैन आस्क अस व्हाट इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू मेक ए सर्जरी. सो रिमेंबर ड्यूरिंग दोज डे यू रिमेंबर दिस नक्षत्र मस्ट नॉट एक्टिवेटेड. लाइक इफ अमिताभ बच्चन इज आस्क फॉर सर्जरी, सो डेफिनेटली वी विल नॉट एडवाइज दिस नक्षत्र. ओके, वी विल नॉट एडवाइज दिस नक्षत्र बिकॉज दिस नक्षत्र में गिव डेथ लाइक सफरिंग. वी कैन एनालाइज हिज चार्ट लाइक ए मून. मून इज इन द 9th हाउस, सो वी कैन सजेस्ट दिस नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र. वी कैन से दैट रोहिणी नक्षत्र. बट रिमेंबर यू मस्ट एनालाइज द चार्ट प्रॉपरली. विच नक्षत्र आर रियली प्रोटेक्टिंग अमिताभ बच्चन, यू नीड टू एनालाइज दोज थिंग. बट रिमेंबर लाइक एज आई मेंशन दिस नक्षत्र आर रूल्ड बाई डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स एंड दिस डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट इज डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर. लाइक दुष्ट मरण योग, इफ द थर्ड हाउस फ्रॉम अरुणा लग्न इज एक्सपेक्टेड बाई मार्स राहू, ओके सो देर मे बी एक्सीडेंट, देर मे बी समवन किल्ड, लाइक इन केस ऑफ राजीव गांधी समवन किल्ड हिम. तो आप लोगों को उसी तरह चेक करना है जे कैसे आपको देखना है, शूल दशा में कैसे टाइम पीरियड करते हैं. ओके, विमसति दशा भी यूज किए हैं हम यहाँ पे. तो एस्ट्रोलॉजी इज नॉट जस्ट ए सिंगल थिंग, आपको सब चीज को मिला के देखना है. लाइक मैं आपको नरचक्र यूज करके दिखाया कि कैसे बॉडी के निचले हिस्सा में आपका जो एब्डोमेन पोर्शन में कैसे सैटर्न है, दैट 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 मे बी द प्रॉब्लम. सैटर्न दैट मे बी दैट दैट इज एक्चुअली ब्लॉकिंग द प्राण. ओके, एंड आप हमेशा राशि राशि चक्र से भी, राशि नर चक्र से भी देख सकते हैं जहां पर हम क्या किए हैं. राशि नर चक्र से हम जब देखे, हम देखे कि कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट फ्रॉम मून से देख रहे हैं राशि से. ओके, एंड उसको फाइनली उसमें और कॉन्सेप्ट है जहां पर आप सन का छाया देख देख रहे हो. इट शुड नॉट बी द सेकेंड एंड 8th और 6th और 12th हाउस फ्रॉम सन, वो वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं यूज कर रहा हूँ. मैं जस्ट सिंपली आपको दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ये एक्चुअली काम कर रहा है. सो फ्रेंड, लेट अस प्रे टू माँ सरस्वती टू गाइड अस, टू हेल्प अस लर्न दिस कॉन्सेप्ट एंड टू इम्प्लीमेंट दिस. आप इसके लिए बहुत सारा चार्ट में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए. लाइक समवन हैज एन एक्सीडेंट और उसका एक्सीडेंट में हाथ टूट गया है. ओके, सो यू ट्राई टू डिकोड दैट व्हाई व्हाई राइट हैंड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्रेकिंग ऑफ राइट हैंड. लेफ्ट हैंड अगर में प्रॉब्लम आया तो लेफ्ट हैंड क्यों हुआ, अगर स्क्वायर हेड में कट आया तो हेड में क्यों कट आया. ये सब चीज को आपको देखना है एंड उसको स्टडी करना है. जितना हम स्टडी करेंगे उतना हम हमारा जो प्रेडिक्टिंग स्किल अच्छा होगा. सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट शूल दशा, शूल चक्र एंड हाउ वी कैन यूज दिस फॉर टाइमिंग ऑफ ट्रबल्स इन आवर लाइफ, टाइमिंग ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ. होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.